अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले दो लेक्चर्स के अंदर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन के अंदर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने प्लांट्स के अंदर ख़ास तौर पे डिस्कस करना शुरू किया था कि वो ऑटोट्रॉफ होने के बावजूद कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जिनमें कुछ प्लांट्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं। उसके अंदर हमने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तक डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है व्हाट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन अमंग द प्लांट्स। सो एज आई हैव टोल्ड यू, इन द केस ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन दैट इज एसोसिएशन between different species. Similarly, symbiotic association जो होती है वो भी different species के अंदर है। ये जितने भी interactions हैं ये communities के अंदर आते हैं। आप लोगों ने chapter number 1 के अंदर पढ़ा था कि community के attributes में ये बातें शामिल हैं, mutualism हो, commensalism हो या parasitism हो, ये एसोसिएशंस होती हैं जो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर हो सकती हैं। उन्हीं में से एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन अमंग दी प्लांट्स। सो सिंपली दिस इज एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़। जैसा कि लाइकन्स, माइकोराइजी और माइकोराइजा, रूट नोड्यूल्स, ये इन जनरल डिस्कस किया जा रहा है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस को हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे प्लांट्स के ऊपर, लेकिन जाहिर है लाइकन जो है या माइकोराइसी जो है या रूट नोड्यूल्स, ये सारी की सारी ऐसी एसोसिएशंस हैं जो म्यूचुअलिज्म को शो करती हैं। सो दीज आर एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। डियर स्टूडेंट्स, लाइकन्स जो हैं, दिस इज एसोसिएशन बिटवीन एल्गल एंड फंगल पार्टनर। एल्जी फोटोसिंथेटिक पार्टनर होता है, ये ऑटोट्रॉफ से बिलोंग करने वाला एक पार्टनर है, जबकि जो फंगल पार्टनर होता है ये डिकम्पोजर और एब्जॉर्प्टिव पार्टनर है। डियर स्टूडेंट्स, अब दोनों को एक दूसरे का बेनिफिट ये है कि एल्गल जो है, एल्गल पार्टनर, वो अपनी फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड प्रोवाइड करता है फंगल पार्टनर को, और जो फंजाई वाला उसका पार्टनर है या फंजाई वाला पार्ट, वो मटेरियल एब्जॉर्ब करता है और डेसिकेशन से बचाता है। पानी एब्जॉर्ब करके एल्गल पार्टनर को दे रहा होता है। अब इसे अगर पानी की जरूरत है तो फंगल पार्टनर जो है वो इसको डेसिकेशन नहीं होने देता, लिहाजा इस एल्गल पार्टनर को बेनिफिट ये है कि फंगल पार्टनर पानी के लॉस से बचाता है, मटेरियल को एब्जॉर्ब करके इसको देता है ताकि वो इन ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना ऑर्गेनिक फूड तैयार करे। सो दिस इज अ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन एल्जी एंड फंजाई, दिस इज कॉल्ड लाइकन। स्टूडेंट्स, इसके बाद है माइकोराइजा। माइकोराइजी आप लोग जानते हैं कि दिस इज एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इसके अंदर अभी डिबेट्स और डिटेल्स बाकी हैं कि ओवरऑल इसका नेट बेनिफिट क्या होता है, लेकिन जहां तक ख्याल है लोगों का, पॉसिबली माइकोराइजल फंगस बेनिफिट्स द प्लांट्स बाय डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल एंड प्रोवाइडिंग वाटर एंड मिनरल सच एज फॉस्फोरस टू द प्लांट। सो इस तरह का कोई इनके अंदर रिलेशन है कि दोनों को एक दूसरे का बेनिफिट है। यानी फंजाई चूंकि डिकम्पोजर होती है ना, तो फंजाई मटेरियल को डिकम्पोज करके सिंप्लिसिटी के अंदर उसको कन्वर्ट करके, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके वो रूट्स के हवाले कर देती हैं, और रूट्स उसको एब्जॉर्ब करके जाहिर है प्लांट्स के अंदर वो ऑटोट्रॉफ में वो फूड बनाते हैं।
सो माइकोराइजी एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इसके बाद है रूट नोड्यूल्स। आप लोगों ने सुना होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं लिगमिनस प्लांट्स। लिगमिनस प्लांट्स वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स जिनके ऊपर उनके फ्रूट्स एक पोड की शक्ल में या फलीदार एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बंद होते हैं। सो ऑल ऑफ दोज प्लांट्स आर कॉल्ड लिगमस प्लांट्स। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उन रूट्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और उपहार से बना के उसके अंदर रह रहे होते हैं। सो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पूरा नाइट्रोजन साइकिल चलाने के अंदर बड़ा रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड को और फिक्स कर रहे होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्राइड्स नाइट्रेट्स वाला जो कन्वर्जन आपने सुनी हुई है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर वो कौन कर रहा होता है? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बिकॉज दे आर रिजाइडिंग इन द रूट्स सो दे कैन फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। सो डियर स्टूडेंट्स रूट नोड्यूल्स यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और हायर प्लांट्स खास तौर पर कौन से लिगमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर एसोसिएशन है। अब हमने ये जितने भी रिलेशन देखे लाइकन्स माइकोराइजा और रूट नोड्यूल्स ये सारे के सारे बेसिकली अपने तौर पर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की हमारे पास एग्जांपल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद अब हमने एक अजीब और गरीब फिनोमिनन प्लांट के अंदर डिस्कस करना है। सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस। आप लोग जानते हैं इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या है? इंसेक्ट्स को कंज्यूम करना फॉर फूड पर्पस। सो डियर स्टूडेंट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो प्लांट्स को एंटायरली प्रीडेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो अपने तौर पर हैं ऑटोट्रॉफ लेकिन समटाइम जैसे वो फूड के अंदर कुछ सप्लीमेंट्स मिक्स किए जाते हैं बेहतर ग्रोथ के लिए। सो ये प्लांट भी अपने फूड को सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब वो इंसेक्ट्स को या स्मॉल एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं डाइजेस्ट करते हैं अब्सॉर्ब कर जाते हैं तो उनके अंदर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है खास तौर पर वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बेसिकली होते क्या हैं? ऑटोट्रॉफ। यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का असल कंसेप्ट ये है कि दे आर ऑटोट्रॉफ बट समटाइम दे प्रोवाइड सप्लीमेंट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय डीकंपोजिंग सम इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। अब वो कौन से कंपाउंड जज़ब कर रहे होते हैं? आई हैव टोल्ड यू अर्ली नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजनस कंपाउंड से मुराद अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स को बनाया जाता है आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा है और न्यूक्लिक एसिड से जाहिर डीएनए आरएनए मुराद है। सो डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आप लोगों ने नाइट्रोजनस बेसिस का नाम सुना हुआ है। सो नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए इसलिए नाइट्रोजनस कंपाउंड को सप्लीमेंट के तौर पर लेने के लिए ये प्लांट्स ऐसा बिहेवियर शो करते हैं कि इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कह रहे होते हैं। सो दे कैन ऑब्टेन नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स आई हैव टोल्ड यू। अब इनको डीकंपोज करने का तरीका क्या है? डियर स्टूडेंट्स इनके पास दो तरीकाकार हैं इंसेक्ट्स को या इन स्मॉल एनिमल्स को डाइजेस्ट करने के लिए। या तो डीकंपोज किए जाते हैं बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट अमंग दीज प्लांट्स। आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपने बैक्टीरिया की ओवरऑल किंगडम मोनेरा के अंदर सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। सो बैक्टीरियाज जो होते हैं
उनके अंदर जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी से, अपनी सेल वॉल से, और मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। सो ये प्लांट्स जिनको इंसेक्टिफोरस प्लांट्स कह रहे हैं, हम अभी एग्जांपल्स भी लेते हैं इनकी, इनके अंदर काफी सारे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो खुद डिकम्पोज कर देते हैं मटेरियल को, और वो डिकम्पोज्ड मटेरियल ये प्लांट एब्जॉर्ब कर जाते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि खुद इन प्लांट्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं कि जब एनिमल्स को, यानी इन इंसेक्ट्स को या स्मॉल एनिमल्स को कैप्चर कर लिया जाता है, देन द एंजाइम्स आर रिलीज्ड बाय दीज प्लांट्स एंड दीज एनिमल्स आर डाइजेस्टेड इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, यानी दो तरीके हो गए, दो मेथड्स हो गए जिनके जरिए ये प्लांट्स इन मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक को डिकम्पोजिशन करवा लेते हैं बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देम, और दूसरा वो बाजात खुद ऐसे एंजाइम रिलीज करते हैं जो डाइजेस्टिंग एंजाइम है। सो दीज आर टू मेथड्स बाय विच दे कैन डिकम्पोज दीज इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। So here we have three examples in your course. एक example students हमारे पास है picture plant की, ये diagrammatically मैं आपको इसकी description देता हूँ, इसकी representation की गई है। दूसरी example है Venus fly trap, ये इसका एक leaf जो है वो यहाँ पे show किया गया है, I will discuss। तीसरी example है sundew। So dear students, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, सनड्यू, दीज आर थ्री कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इन योर कोर्स। पिक्चर प्लांट की डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो स्टूडेंट्स इसकी ओवरऑल शेप पिक्चर से जैसी लगती है। इसके ऊपर एक छोटी सी कवरेज है जिसको कहते हैं हुड। तो ये हुड इसकी इस ओपनिंग को कवर कर सकती है। अब इसके अंदर अब आप गौर से देखें तो इसके अंदर काफी सारे स्पाइंस और ब्रिसल्स यानी कांटा नुमा स्ट्रक्चर मौजूद है। ये जब इनके अंदर कोई इंसेक्ट आकर ट्रैप हो जाता है तो ये हुड ऊपर से पार्शली इस ओपनिंग को कवर कर लेती है। अब इसके अंदर मौजूद होते हैं काफी सारे बैक्टीरिया, और ये खुद एंजाइम भी रिलीज करता है जिनके जरिए ये इंसेक्ट्स जो हैं ये ओवरऑल डाइजेस्ट किए जा सकते हैं। सो इनके प्रोटीनेशियस फ्लूइड्स को ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। डियर स्टूडेंट, आई हैव टोल्ड यू दैट द शेप ऑफ दिस प्लांट रिजेंबल विद पिक्चर। सो दिस इज सेमी कवरेज दैट इज कॉल्ड हुड दैट कवर्स दिस ओपनिंग। So inside this plant there is presence of bacteria as I have told you for digestion as well as many enzymes. So उसमें जब कोई insect या कोई small animal यहाँ पे trap किया जाता है इन कांटों के साथ चिमट जाता है और उसको bacterial enzymes के जरिए या अपने enzymes के जरिए digest कर लिया जाता है। Next example अगर आप देखें तो ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप मौजूद है इसका लीफ होता है बाईलोब्ड। बाईलोब्ड कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये हम हाथों को मिला के यूं बंद कर लेते हैं, खोल लेते हैं। सो एक लोब इधर है और एक लोब इधर है, दिस इज कॉल्ड बाईलोब। दरमियान में इनकी मिडरिब होती है इस तरह से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, और अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर ब्रिसल्स हैं। ब्रिसल्स कांटों को कहते हैं। So, जब कोई इंसेक्ट या कोई स्मॉल एनिमल इसकी मिडरिब के ऊपर या इसके सेंटर में आके बैठता है तो ये प्लांट यूं बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद फर्दर ये अपने अंदर से एंजाइम रिलीज करता है, और इन एंजाइम्स के जरिए ये जो ट्रैप्ड एनिमल है इसकी डाइजेशन की जाती है और फर्दर इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है सनड्यू।
सेंडियो का लीव बड़ा अजीबोगरीब बना हुआ है, इसके ऊपर काफी सारे टेंटिकल्स हैं, ये देखें एक्सटेंशंस, इन एक्सटेंशंस को टेंटिकल्स कहते हैं। और एक और बहुत जबरदस्त चीज इसके साथ ये है कि इन तमाम टेंटिकल्स के ऊपर, इसकी टिप्स के ऊपर ग्लैंड्स मौजूद हैं। आप लोग जानते हैं ना कि ग्लैंड्स वो चीजें होती हैं जिनसे कुछ सक्रीशंस निकलती हैं। सो दे हैव ग्लैंड्स एट देयर टिप्स ऑफ द टेंटिकल्स, और जब टेंटिकल्स की टिप्स से सक्रीशंस निकलती हैं तो जो कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ट्रैप करता है वो चिमट जाता है। अब चिमट जाने के बाद उसको डाइजेस्ट किया जाता है बाय द एंजाइम सेक्रेटेड बाय दिस प्लांट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये टेंटिकल्स हैं, इन टेंटिकल्स की टिप के ऊपर यानी बिल्कुल आखिरी सिरे पर ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, और उन ग्लैंड्स से सेक्रीशंस निकलती हैं जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ट्रैप होते हैं और फर्दर एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिससे इनकी डाइजेशन की जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पिचर प्लांट एज वेल एज वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सनड्यू। ये तीनों एग्जाम्पल्स किन की हैं? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की हैं जो आपके कोर्स के अंदर हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो कवर किया उसमें सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, जिसमें लाइकन्स, माइकोराइजी, रूट नाड्यूल्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया है, उसके बाद हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को कंसेप्चुअल वे से डिस्कस किया है कि व्हाई दे आर इंसेक्टिवोरस इवन देन दे आर ऑटोट्रॉफ। उस चीज को डिस्कस करने के बाद हमने इन्हीं की एग्जांपल्स ली हैं, जैसा कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यहां तक तैयार करने में कोई ऐसा इशू नहीं होगा। फर्दर हम अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम दोबारा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके इसी कोर्स को आगे बढ़ाते हुए। तब तक डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह।